आज हम बात करेंगे एक ऐसे टैलेंटेड एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने कभी बंगाली टीवी सीरियल से अपने कैरियर की शुरुआत करी थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने काफी सारे हिंदी टीवी सीरियल में काम किया एंड हाल ही में वो टीवी सीरियल नथ में गोपाला का रोल प्ले कर रही है। तो इन सब बातों से आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस इशिता गांगुली के लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में और उनके लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो शायद ही आप जानते हो। तो बिना वीडियो को स्किप करे बने रहिए हमारे साथ एंड तक। उनका जन्म 22 जुलाई 1992 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ एंड अभी वो 31 की है। उनका नेम इशिता मामून गांगुली एंड प्रोफेशन से वो एक टीवी एक्ट्रेस है। साथ ही उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर एंड 5 फीट और उनका वेट 50 kg एंड फिगर मेजरमेंट 34 है। इसके अलावा उनका आई कलर ब्लैक एंड हेयर कलर भी ब्लैक है और रिलीजन से वो हिंदू है, नेशनैलिटी से इंडियन है। इसके साथ ही उनकी फैमिली की बात करें तो उनकी फैमिली में उनके फादर, मदर, वन ब्रदर एंड सिस्टर है। उनके ब्रदर का नेम सुमंथा गांगुली जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर है एंड उनके सिस्टर का नेम नेहा पाडनेकर है। उनके एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग अन्नपूर्णा गर्ल्स हाई स्कूल से करी। इसके अलावा उनके कैरियर की बात करें तो उन्होंने 13 साल की उम्र से ही एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली टीवी सीरियल मिसेस सिंघा रॉय से किया जिसमें उन्होंने सरस्वती का रोल प्ले किया। फिर उसके बाद उन्होंने अन्नपूर्णा एंड भाषा जैसे टीवी सीरियल में काम किया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ मूवीज में भी काम किया है जैसे कि वो मूवी रेस्क्यू में दिखाई दी जिसमें उन्होंने मीरा का रोल प्ले किया। इसके साथ ही वो मूवी मेरी प्यारी बिंदु में भी दिखाई दी थी। साथ ही उन्होंने शॉर्ट मूवी कर्मा में भी काम किया और आपको बता दें कि उन्होंने हिंदी टीवी इंडस्ट्री में अपने कैरियर की शुरुआत 2014 में आए सीरियल शास्त्री सिस्टर से किया जिसमें उन्होंने अनुष्का शास्त्री का रोल प्ले किया। फिर उसके बाद वो टीवी सीरियल तू मेरा हीरो में भी दिखाई दी जिसमें उन्होंने जूही का रोल प्ले किया एंड इसके अलावा भी उन्होंने काफी सारे टीवी सीरियल में काम किया है जैसे कि डर सबको लगता है, इसका रंग सफेद, ये है आशिकी, यारों का टशन, पेशवा बाजीराव, पृथ्वी वल्लभ, लाल इश्क, कौन है, विक्रम एंड बेताल, श्रीमद भगवत वेद पुराण। लेकिन उन्हें एक्चुअल फेम 2019 में आए टीवी सीरियल जग जननी माँ वैष्णो देवी से मिली जिसमें उन्होंने पार्वती का रोल प्ले किया और इस सीरियल में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और यहाँ से वो घर घर में फेमस हो गई और लोग उन्हें जानने लगे। फिर उसके बाद वो 2020 में आए टीवी सीरियल राधा कृष्णा कृष्ण अर्जुन गाथा में दिखाई थी जिसमें उन्होंने द्रौपदी का रोल प्ले किया और इस सीरियल में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। फिर उसके बाद वो टीवी सीरियल विघ्न हर्ता गणेश में दिखाई थी जिसमें उन्होंने देवी मनसा का रोल प्ले किया और उन्हें इन्हीं सीरियल के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारे हिट सीरियल में काम किया है जैसे कि घर एक मंदिर, कृपा अग्रसेन महाराज की, परशुराम, शुभ शगुन, मैत्री और अब वो टीवी सीरियल नथ कृष्णा और गौरी की कहानी में गोपाला का रोल प्ले कर रही है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इशिता गांगुली का कौन सा सीरियल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो अभी के लिए वो सिंगल है, उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही वो किसी को डेट कर रही है। साथ ही उनके हाउस की बात करें तो वो मुंबई महाराष्ट्र में अपनी फैमिली के साथ रहती है। उनके इनकम की बात करें तो अपने पर एपिसोड का 50-60,000 रुपीज चार्ज करती है। साथ ही उनके नेटवर्थ की बात करें तो 2024 के अकॉर्डिंग उनकी नेटवर्थ 20 करोड़ रुपीज है। तो दोस्तों इशिता गांगुली के लिए वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।